सो हे गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में आप एक छोटी सी वीडियो देखिए गाइस, ये वाली जो वीडियो एडिटिंग है वो इंस्टाग्राम की रील पर बहुत तेज से वायरल हो रही है। यानी कि आप जो है यहाँ पर डायमंड ब्लर इफेक्ट और डार्क ब्लैक इफेक्ट है वो कैसे एडिट करोगे खुद की वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो जो है आपको एंड तक वॉच करनी है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको यहाँ पर एक ऐप इंस्टॉल करना है, नीचे लिंक मैंने आपको दी है, आप उसे डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, ओपन करना, प्लस का आइकन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। देन आपको यहाँ पर जो है 9.16 आपको यहाँ पर ले लेना है। सो गाइस, इस तरीके से इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। तो प्लस का आइकन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। गाइज आपको मीडिया के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, खुद की वीडियो आपको यहाँ पर जो है लेके आ जानी होगी। मैंने यहाँ पर फोटो लिया क्योंकि मैंने जो है वीडियो एडिट जब की तो मतलब कि बिल्कुल भी मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल भी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, जिस वजह से मैं आपको यहाँ पर फोटो में एडिट करके दिखाने वाला हूँ। बट गाइस, आपको खुद की वीडियो यहाँ पर लेनी है क्योंकि सेम एडिटिंग है, मैं आपको वीडियो वाली एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। आप देख भी सकते हो ये सारी वीडियो एडिट मैंने इसी के डायमंड ब्लर इफेक्ट जो है इसी से बना हुआ है। सो आपको सिंपल अपनी खुद की यहाँ पर वीडियो लेके आनी होगी और लाने के बाद वीडियो पे क्लिक करोगे, इफेक्ट का ऑप्शन होगा, आपको इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है, ब्लर का ऑप्शन यहाँ पर देखोगे, ब्लर पे क्लिक करना है। छठे नंबर पे यहाँ पे आपको एक इफेक्ट मिलता है, आपको उस इफेक्ट को यहाँ पर जो होगा ले लेना होगा। लेने के बाद आपको यहाँ पर मतलब स्ट्रेंथ दिखती है, आपको इसे यहाँ पर 3 से 4 रखना है, ध्यान रहे 3 से 4 रखना है, ज़्यादा मत करना। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में की का ऑप्शन मिलता है, आपको की फ्रेम पर क्लिक करना है और की लगा देनी है। उसके बाद आपको अपनी वीडियो में यानी कि फोटो यानी कि जो आपकी वीडियो होगी उस वीडियो में आपको आगे जाना होगा और यहाँ पर आपको रुकना है, यानी कि जो आपकी 6 मिनट या 7 या 10 सेकंड की जो भी वीडियो होगी तो उसके आपको बीच में आधे पे आ जाना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 पे आया हूँ क्योंकि मेरी जो वीडियो है 6 सेकंड की, तो मैं 3 पे आ गया। उसके बाद हम की का यूज़ करेंगे और उसे बिल्कुल 0 कर देंगे। 0 करने के बाद हल्का सा हम आगे आएंगे और जहाँ पर तीर का निशान था वहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो है एडजस्ट करेंगे। इसे एडजस्ट आपको यहाँ पर जो होगा अच्छे से कर देना होगा। करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करोगे ऊपर की तरफ और स्क्रॉल करने के बाद सेकंड ऑप्शन हमें आप यहाँ पर देखोगे जो एंगल है आपको इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको आपको जो है 10 या 12 या फिर 15 आप यहाँ पर रख सकते हो, अपने हिसाब से रखना, या फिर मैं जो है यहाँ पर मतलब आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर 15 रखना है अपनी वीडियो में, आपको यहाँ पर 15 सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट देख सकते हो आप, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर डुप्लीकेट कर देना है। सेकंड वाला जो हमने डुप्लीकेट किया उसी पे क्लिक करेंगे हम, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है मतलब कि यहाँ पे ये एंगल था आपको इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे 25 से आप 20 कर सकते हो क्योंकि पहले वाले में हमने 15 किया हुआ था, तो इसमें हम जो है यहाँ पर 20 कर देंगे। 20 करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर ओके करना है, यहाँ पे आपको वापसी बिल्कुल आगे आना है और यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन है आपको इफेक्ट पर क्लिक करना, ऐड इफेक्ट का ऑप्शन है आपको ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर देना, ब्लर का ऑप्शन है आपको ब्लर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तीसरे नंबर पे एक इफेक्ट है ब्लर वाला आपको उसे यहाँ पर ले लेना होगा। लेने के बाद आपको उसी पे वापसी यहाँ पर क्लिक करना है और इसका यहाँ पर आप देखोगे की का ऑप्शन है तो की का क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसको जो होगा मतलब कि यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर सकते हो आप, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट की का दे देनी है और देने के बाद आगे जाना है, यानी कि जहाँ पर आप पहले आधे में गए थे बीच में गए थे यानी कि 6 है तो 3 सेकंड के आसपास, यानी कि 3 सेकंड के आपके वीडियो के आसपास जाना है, उसी तरीके से आपको इसे यहाँ पर बिल्कुल 0 कर देना होगा। 0 करने के बाद गाइस अब आपको यहाँ पर अपनी वीडियो को मतलब कि बैक कर देना है। एक बार आपने वीडियो को प्ले करके देखते तो गाइस ये देख सकते हो आपकी जो डायमंड ब्लर वाली इफेक्ट वीडियो थी वो बहुत ईजिली यहाँ पर इससे तैयार हो जाएगी। बहुत ईजी है गाइस ये डायमंड ब्लर इफेक्ट लगाना एलाइट मोशन से खास करके, तो बहुत ईजी होने वाला है। देन इस वीडियो को सेव करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप जो डार्क ब्लर इफेक्ट चल रहा है यानी कि ब्लैक वाला वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो इफेक्ट कहाँ से लगाओगे। सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन यहाँ पर कर लेना होगा क्योंकि वो इंस्टाग्राम में ही आपको इफेक्ट मिल जाएगा। अगर आपने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लीजिए क्योंकि ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग मैं अपने चैनल पर और इंस्टाग्राम पर अपलोड करता रहता हूँ। सो आपको यहाँ पर मतलब कि जहाँ से हम स्टोरी वगैरह लगाते हैं वहाँ पर आपको आना होगा और आने के बाद स्क्रॉल करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है डार्क ब्लैक, आपको यहाँ पर डार्क ब्लैक सर्च कर देना। तो जैसे ही आप यहाँ पर मतलब कि डार्क ब्लैक सर्च करते हो तो सर्च करने के तुरंत बाद थोड़ा सा मतलब कि आपका नेट वगैरह जो है वो यहाँ पर अच्छा चलना चाहिए, तभी आपका जो डार्क ब्लैक इफेक्ट है वो यहाँ पर आएगा। सो मैंने यहाँ पर सर्च किया और ये फर्स्ट वाला में इफेक्ट होगा ये आ जाएगा, तो आपको इसको यहाँ पर जो है सेव कर लेना है।
इजीली सेव कर सकते हो। और सेव करने के बाद गाइस ये देख सकते हो वो इफेक्ट आ चुका है। अब आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग सॉन्ग वगैरह जो होते हैं वो भी चाहिए होंगे, तो इस इफेक्ट को कैसे अप्लाई करोगे खुद की वीडियो में, मतलब वो इफेक्ट वगैरह सब लगा के ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, बैक चले जाना है और जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है वो मेरे इंस्टाग्राम पर ही मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके यहाँ पर कर सकते हो। सो ये देख सकते हो मैंने कितनी ईजिली मतलब कि यही वीडियो एडिटिंग की थी। अब इसी सॉन्ग पर मैं दोबारा वीडियो अपलोड करता हूँ, तो सिंपल सॉन्ग यूज ऑडियो है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस साइड में यहाँ गैलरी का ऑप्शन मतलब शो होता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपने जिस वीडियो को एडिट किया उस वीडियो को यहाँ पे आपको लेके आना होगा, ऐड का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, आपको ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, नेक्स्ट आपको कर देना होगा। उसके बाद आपको वीडियो के ऊपर यहाँ पर जहाँ तीर का निशान है यहाँ पर क्लिक करना है और सेव के ऑप्शन पर आपको चले जाना होगा, यानी कि फिल्टर के ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको डार्क ब्लैक इफेक्ट मिल जाता है। सो कैसा कलर था और कैसा यहाँ पर हो चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है डार्क ब्लैक इफेक्ट, और ये इंस्टाग्राम का ही इफेक्ट है जो ट्रेंड में चल रहा है इस टाइम पर, सबसे ज़्यादा नंबर वन इफेक्ट चल रहा है। आई होप गाइज आपको वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ गाइज वीडियो को अपलोड करो, बहुत ज्यादा ट्रेंड में इफेक्ट और ये जो है मतलब कि डायमंड इफेक्ट चल रहा है। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ।